हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं वो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस। तो आज की वीडियो टाइटल पढ़ के आपको समझ आ गई होगी कि किस बारे में आज की वीडियो होने वाली है। तो गाइस, इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ प्रोडक्ट जो मैंने रिसेंटली पर्पल से मंगवाए हैं। और गाइस, मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही पर्पल से इसको ऑर्डर किया था और थोड़े दिनों बाद मुझे ये रिसीव हो चुके हैं। तो गाइस, इस मैं आपके साथ ये पर्पल के प्रोडक्ट शेयर करूंगी। वो गाइस, बिगनर्स के लिए मैं ये चीज़ ये हॉल शेयर करने वाली हूँ। बहुत थोड़े प्रोडक्ट्स हैं गाइस, क्योंकि मैंने अभी मैं थोड़ा सा टेस्ट करूँगी इन प्रोडक्ट को, देखूँगी किस तरीके की। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे पर्पल से प्रोडक्ट्स मंगवाती हूँ, बहुत थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स मैं पर्पल से मंगवाती हूँ गाइस। मैं उसको टेस्ट करती हूँ कि अच्छा काम करता है नहीं करता, उसके बाद मैं और प्रोडक्ट्स मंगवा लेती हूँ। तो गाइज, मैं आज से पहले मैंने वैसे पर्पल की कोई वीडियो नहीं बनाई है, बट एक छोटा मिनी हॉल होने वाला है पर्पल का, जिसके अंदर सारे अफोर्डेबल रेंज में आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो मेन मेकअप के बिगनर्स को चाहिए होते हैं। और गाइज, बहुत सारा सामान मैंने नहीं मंगवाया, बहुत थोड़ा सा सामान मंगवाया है, बट मैं इसको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो वीडियो में गाइज, आपको इंटरेस्ट हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरीके की वीडियोज़ मैं बनाती रहती हूँ आपके लिए। और गाइज, मेकअप से रिलेटेड एंड स्किन केयर से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ इस चैनल पर। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना गाइज, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज, लेट्स बिगिन। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जो मेकअप के प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं पर्पल के। और ऑलरेडी मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर्पल से मंगवाए हैं, और जो भी मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ मेकअप के या फिर स्किन केयर के, वो सभी मैं पर्पल के यूज़ करती हूँ। क्योंकि गाइज, ऑफलाइन इतने अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं हमें, और बहुत एक्सपेंसिव होते भी हैं, नहीं भी होते हैं, बट रेंज उनकी इतनी अच्छी नहीं होती। तो गाइज, मैंने ये कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं, आप देख सकते हैं पर्पल के। तो गाइज, मैंने पर्पल के थोड़े से प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं, तो जिसके अंदर मैंने थोड़ी सी चीज़ें मंगवाई हैं, फर्स्टली मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये है गाइज, बायोटिक का एडवांस आयुर्वेदा मॉइस्चराइज़र। तो आप देख सकते हैं इसको, इसकी जो पैकेजिंग है वो बहुत अच्छी है गाइज। मॉइस्चराइज़र हम सबको नीड होती है, हर किसी को नीड होती है मॉइस्चराइज़र की। तो गाइज, मैं ऑलरेडी जॉय के मॉइस्चराइज़र्स यूज़ करती हूँ, जॉय के और पॉन्ड्स के मॉइस्चराइज़र और लैक्मे के मॉइस्चराइज़र मैंने ऑलरेडी यूज़ किए हुए हैं। बट गाइज, बायोटिक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आयुर्वेदिक बेस्ड होते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसको इस बार मंगवा लूँ और उस पर यूज़ करके तो ज़रूर देखूँ कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। तो गाइज, मैं इसकी पैकेजिंग में आपको बताऊँगी, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, मैं इस हॉल में आपके साथ शेयर करूँगी इसके प्राइजेज, जो भी प्रोडक्ट मैंने मंगवाए हैं। और गाइज, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ आयुर्वेदिक मॉइस्चराइज़र। जो हमें मॉइस्चराइज़र, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बट गाइज इम्पॉर्टेंट वो होता है कि हमारे फेस पे क्या सूट कर रहा है और क्या सूट नहीं कर रहा है। तो मैंने फर्स्ट टाइम इसको मंगवाया है, मैंने बायोटिक के प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए हैं, मैंने फर्स्ट टाइम इसको मंगवाया है गाइज। तो ऑल स्किन टाइप ये सुइटेबल रहेगा, सी लाइट ऑन एंड लाइनलेस रिप्लेंस स्किन। तो गाइज, इसके अंदर आपको और भी प्रोडक्ट, इसके अंदर बायोटिक के मॉइस्चराइज़र में आपको और भी मिल जाता है बायो पपाया एंड बायो सैफ्रन ड्यू। तो ये प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं बायोटिक की रेंज में, मतलब इसकी और भी वैरायटी आपको मिल जाती है। तो अब मैं इसका बात करूँगी मैं इसके प्राइस की। गाइज, ये मुझे 200 में मिला था, और गाइज बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट्स है, मैं आज इसको लगा के बैठी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है गाइज। और इसकी जो क्वांटिटी है वो आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, आप देख सकते हैं गाइस। मेरे लिए बेस्ट था, और बायोटिक के अभी तक का तो ये एक्सपीरियंस है मेरा कि मैंने मॉइस्चराइजर मंगवाया तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। तो गाइस, अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो गाइस, ये अफोर्डेबल बहुत है, 120 ml आपको 200 में मिल जाता है, वो भी इतने अच्छे ब्रांड का मॉइस्चराइजर, तो आपको ज़रूर लेना चाहिए गाइस। और गाइस, इसके ऊपर सेकेंड प्रोडक्ट मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी गाइज, ये है मस्कारा। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ, एक सेपरेट वीडियो इसका रिव्यू मैं दे चुकी हूँ, बट गाइज ये मस्कारा जो है ना, मेरा इसने दिल जीत लिया है, बहुत अच्छा मस्कारा है गाइज। 200 में मुझे मिल गया था, ओनली 200 का मस्कारा है ये, 250 का मस्कारा है ये गाइज। और गाइज, इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही गजब और लग्जूरियस पैकेजिंग है इसकी। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना रखे, तो आप देख सकते हैं इसकी जो मस्कारा है, इसका एप्लीकेटर भी बहुत अच्छा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं जाके,
डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक जरूर दे दूंगी, तो आप वहां से वॉच कर लीजिएगा। लेकिन मैं इसका बताना चाहूंगी कि ये 250 में मिल गया था मेरे को, ऑफर पे और भी सस्ता मिल जाता है बट अभी 250 में मुझे मिला था ये। तो नेक्स्ट गाइज मैं यहाँ पर दिखाऊंगी कि एनवाई। तो गाइज मैंने कंसीलर मंगवाया जो मेरे पास ऑलरेडी था बट वो मेरा ख़त्म हो गया, तो मैंने दोबारा इसको मंगवाया है इसमें पर्पल हॉल में। तो आप देख सकते हैं एनवाई बे का HD स्पॉटलेस कंसीलर है जो आपके अंडर आई एरियाज को, आपके ब्लैकनेस एरिया को हाइड कर देता है अच्छे से। और गाइज अगर आप इसको अप्लाई करते तो बहुत ही स्मूथली, बहुत ही क्रीमी से ब्लेंड हो जाता है, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है इसका। तो इसके लिए ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो आप देख लीजिए जा करके। इसका प्राइस मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, 195 इसका प्राइस है गाइज। एज यू कैन सी, आई थिंक आपको उल्टा दिख रहा होगा, तो इसकी 195 इसकी प्राइस है। तो आप देख सकते हैं गाइज अपने लिए इसको। एंड नेक्स्ट गाइज मैंने यहाँ पे मैट लिपस्टिक मंगवाई है एनवाई बे की, जो सच में गजब है। मतलब पैसा वसूल वाली चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती है गाइज। तो गाइज ये कुछ इसकी आउटर पैकेजिंग है, आप देख सकते हैं इसकी आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है। और गाइज मैं इसको दिखाती हूँ आपको ओपन करके, ये देखिए गाइज, देख सकते हैं आप कितनी लग्जूरियस पैकेजिंग है इसकी। तो एनवाई बे की लिपस्टिक्स बहुत पसंद है मुझे, मैं बहुत यूज़ करती हूँ। तो इसका देख सकते हैं आप गाइज कलर ऑलरेडी मैंने ये अप्लाई किया है बट अभी ये लाइट हो गया है क्योंकि मैंने इसको मॉर्निंग में अप्लाई किया था। बट ये दूसरी लिपस्टिक है, अभी ये जो है ये मैंने अप्लाई नहीं की है कहीं भी। तो आप देख सकते हैं गाइज इसका जो टेक्सचर है इतना क्रीमी है गाइज, क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो गाइज आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, बहुत ही क्रीमी है। और गाइज ये कलर मेरा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट कलर है मेरा ये। तो गाइज मैं इसको ब्लेंड करूँगी और आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ और क्रीमी सा है ये। और गाइज ये मैट लिपस्टिक है, अगर आप इसको अप्लाई करते हैं और एक बार बस आपने अप्लाई करने के बाद बस एक बार आपको इस तरीके से टैप टैप करना होता है दो बार, उसके बाद ये मैट हो जाती है और आप कुछ भी खाते हैं कुछ भी पीते हैं ये हटती नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसका गाइज कलर बहुत अच्छा है, अभी अच्छे से यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाई है बट कलर बहुत अच्छा है। तो गाइज इसका जो प्राइस था वो इसका प्राइस 200 रुपीज़ था। यस गाइज इसका प्राइस 200 रुपीज़ था, तो आप ले सकते हैं 200 रुपीज़ में, आपको बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं होगा कि आपने ऐसा प्रोडक्ट लिया है 200 में कि अच्छा नहीं है। तो बहुत अच्छा है गाइज, बहुत अच्छी लिपस्टिक है। अगर आप गाइज पिंक लिपस्टिक कोई देख रहे हैं तो ये बहुत अच्छी लिपस्टिक है, 200 रुपीज़ में आपको मिल जाती है, तो आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी है। इसका रिव्यू मैं अगली वीडियो में ज़रूर करूँगी गाइज। तो अभी मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ इसका प्राइस और क्वांटिटीज़ की जो भी है, इसकी पैकेजिंग वगैरह मैं आपके साथ शेयर करूँ, बहुत अच्छा है आप ले सकते हैं। नेक्स्ट गाइज मैंने ये अपने लिए और अपनी फ्रेंड के लिए एक ये मंगवाया है स्टेकवर्की का फाउंडेशन जो ऑलरेडी मेरे पास था बट ख़त्म हो गया था मेरे पास। तो गाइज़ ये मैंने मंगवाया था, मैंने बट इसका रिव्यू नहीं किया था कभी भी अपनी वीडियोज़ में। तो गाइज़ मैं इसका टेक्सचर ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगी। तो इसका जो टेक्सचर है गाइज़, इसका पंपिंग बॉटल में ही आपको मिल जाता है, आप देख सकते हैं। और गाइज़ इसका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा है, बहुत ही क्रीमी है। और गाइज़ आपके फेस पे मैच हो जाएगा एकदम से, और आप देख सकते हैं ब्लेंडिंग कितने अच्छे से हो रही है गाइज़ फिंगर से ही। और अगर किसी ब्रश से आप करते हैं तो बहुत अच्छे से हो जाएगी, और आप देख सकते हैं डिफरेंस एज यू कैन सी। तो बहुत अच्छा है गाइज, आप ले सकते हैं इसको। और गाइज इसकी जो पैकेजिंग है वो बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। क्योंकि गाइज इसके ये आपको मिल जाता है 165 रुपीज़ में। इसी तरीके से गाइज अपने फेस पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसी तरीके से आप ब्लेंड कर सकते हैं विदाउट अपने फिंगर पे लगाए या फिर किसी ब्रश पे लगाए, तो आप अच्छे से इसको ब्लेंड कर सकते हैं। इसका प्राइस 165 रुपीज़ है, और बहुत सारा प्रोडक्ट्स आपको मिल जाता है इसके अंदर, जिस तरीके की इसकी प्राइस है उससे अच्छे में ही आपको इसके अंदर प्रोडक्ट मिल जाता है, बहुत अच्छे, बहुत मतलब फ़ायदा होने वाला है अगर आप इसको लेंगे। और गाइज मुझे पंपिंग बॉटल में बहुत टाइम से, मतलब पंपिंग बॉटल मुझे बहुत अच्छी लगती है, हाइजीनिकली मेंटेन होती है, हाइजीन मेंटेन करके रख सकते हैं हम उससे, और हम अपने फेस पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए भी आप इसको ले सकते हैं गाइज, बहुत अच्छा है। इसका रिव्यू मैं फिर किसी वीडियो में ज़रूर करूँगी आपके साथ।
तो आप इसको बाय कर सकते हैं। तो इसका प्राइस मैंने आपको बता ही दिया, 165 है। और प्राइस मैंने यहाँ पर ये मंगवाया है, ये है क्या, फाउंडेशन कंसीलर कॉन्टोर कलर करेक्टर स्टिक। तो ये मैंने कॉन्टोरिंग के लिए मंगवाया है, कॉन्टोरिंग के लिए मेरे पास शेड नहीं था तो मैंने ये मंगवाया है गाइज। और गाइज मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ, और इस तरीके की अंदर से कुछ पैकेजिंग है, और अब हम इसको ओपन करेंगे। तो गाइज़ ये है कॉन्टोर जो हम अपने फेस को शेप देने के लिए, बहुत थिन दिखाने के लिए अप्लाई करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, तो गाइज इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं और फिर आप इस तरह से ब्लेंड कर सकते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा फेस थोड़ा सा थिन लगने लग जाता है जहाँ भी हम इसको अप्लाई करते हैं। कलर करेक्टर, एज अ कलर करेक्टर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कलर तो बहुत अच्छा है गाइज, इसका क्रीमी सा टेक्सचर है। और इसका प्राइस मैं आपको बताना चाहूँगी, इसका प्राइस 113 है, 113 इसका प्राइस है गाइज। बहुत सही है गाइज, इसकी NYBA की जो पैकेजिंग होती है अच्छी होती है, और प्रोडक्ट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं और ट्रस्टेबल प्रोडक्ट्स होते हैं गाइज लिटरली। तो 125 इसकी पैकेजिंग है, 125 इसका प्राइस है। तो बहुत अच्छा प्राइस है, आप इसको बाय कर सकते हैं अगर आपको नीड है तो। तो नेक्स्ट और लास्ट प्रोडक्ट मेरे पास है ये स्ट्रेकवर की नेल पेंट। इस क्यूट सी पैकेजिंग के बारे में आपका क्या कहना है, बहुत अच्छी है गाइज। और नेल पॉलिश है ये, आपको 6 ml इसके अंदर मिल जाती है, और इसका प्राइस आपको है 90 rupees में आपको मिल जाती है। मैंने फर्स्ट टाइम कोई नेल पेंट मंगवाई है पर्पल से। और गाइज और हाँ, ये जो मैंने अप्लाई की हुई है ये भी यही नेल पेंट, और आप देख सकते हैं। वैसे मैंने ये अपने लिए नहीं मंगवाई है, मैंने अपनी मम्मी के लिए मंगवाया ये कलर, बट मैं भी अप्लाई कर सकती हूँ, मैं भी लगा सकती हूँ इसको। तो बहुत क्यूट सी पैकेजिंग है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है जब से मैंने मंगवाई है। और गाइज इसका प्राइस 90 rupees है, और 6 ml इसके अंदर प्रोडक्ट मिल जाता है। और बहुत ही अच्छा ब्रश है गाइज इसका, मैंने अभी अप्लाई किया था। इसका एप्लीकेटर बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथली ब्लेंड हो जाता है, आप देख सकते हैं इस तरीके से बहुत अच्छे से आप लगा सकते हैं। बहुत अच्छा है गाइज, इसके अंदर आपको सारे नेल शेड्स मिल जाएंगे जो आपको ऑफलाइन नहीं मिल रहे हैं वो ऑनलाइन मिल जाएंगे, क्योंकि ब्लैक कलर तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, बट वो मैंने नहीं मंगवाया। फिर मैं ब्लैक कलर बाद में मंगवाऊंगी, क्योंकि ऑफलाइन जो नेल पेंट्स होती है इतनी अच्छी नहीं निकलती हैं, हट जाती हैं बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी रफ्स हो जाती हैं, शाइन भी बहुत अच्छे से नहीं रहती है। बट ये लुक एट दिस कलर, बहुत अच्छा है। तो गाइज ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, स्टेक वर्की के प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं। मैंने ये फाउंडेशन और ये नेल पेंट देख के पता लग गया है मुझे, बहुत अच्छा है, आप ले सकते हैं। तो गाइज यही था मेरा हॉल, इसका पर्पल हॉल, छोटा सा हॉल है तो मैंने बट आपके साथ शेयर किया, क्योंकि गाइज जब हम बिगनर होते हैं ना, हमें थोड़ी थोड़ी प्रोडक्ट से मंगाने होते हैं, मतलब जब आप लोग बिगनर होते हो आपको थोड़े थोड़े प्रोडक्ट मंगाने होते हैं, लेकिन उनका रिव्यू होना भी ज़रूरी है कि कितना प्राइस है, क्या है, कितना मिल जाता है आपको, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो गाइज मैंने ये सारा प्रोडक्ट आपको दिखा दिया है, आप देख सकते हैं, बट सबसे अच्छा मेरा इसके अंदर यही था बायोटिक का। और गाइज आपको कौन से प्रोडक्ट अच्छे लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, और गाइज मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। और गाइज आप इस तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, किसी भी तरह की आप अगर वीडियोस चाहते हैं तो। एंड गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जो आपके बेल आइकन आपको शो हो रही होगी सब्सक्राइब बटन के पास में, तो आप उसको प्रेस कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस की न्यू नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच जाएगी सबसे पहले। तो आई होप आपको मेरी वीडियो गाइस पसंद आई हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोस की न्यू नोटिफिकेशंस आपके पास पहुँच सके। आपके कोई डाउट रहेगा इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर गाइस आपको मेरे को कोई सजेशन देना है, आपको कोई वीडियो चाहिए किसी रिव्यू पर, तो अब भी आप मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक।